बच्चों, मैं शालिनी सिंह, आपकी हिंदी टीचर, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको पाठ एक वर्ण विचार पढ़ा दिया गया है, और आज इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आप लोगों को पाठ दो, जिसका नाम शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी है, उसे पढ़ाऊँगी। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं शब्द के बारे में कि शब्द क्या है। ये वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो वह वर्ण कहलाता है। यानी हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि सभी ध्वनियों को हम शब्द मान लेंगे। जब सभी ध्वनियों को हम समूह में रखते हैं और उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, तो उसे हम शब्द का नाम देते हैं। यानी जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कुर्सी, तो इस कुर्सी के जो भी वर्ण हैं उसे हमने क्रम से रखा है और एक समूह में रखा है, तो इसका अर्थ निकल कर आ रहा है। इस वजह से यह सार्थक शब्द कुर्सी हुआ। हमने यहाँ जो भी शब्द लिखे हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने उचित वर्णों को सही क्रम में रखा है। अर्थात अगर हम शब्दों की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों को सार्थक समूह में रखने पर शब्द की उत्पत्ति होती है, या दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि शब्दों के कितने प्रकार हैं। तो शब्दों के चार प्रकार हैं: बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्दों के कितने प्रकार हैं बच्चों? शब्दों के चार प्रकार हैं: बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के, प्रयोग के और अर्थ के आधार पर। तो आइए हम जानते हैं कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। अगर हम देखें तो बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द के बारे में। तीन भेदों में पहला रूढ़ है, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो हम बात कर रहे हैं रूढ़ शब्द की। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे ऊंट, पेन, किताब। अगर हम इन शब्दों को अलग अलग कर देते हैं, जैसे ऊ को अलग कर देते हैं और ट को अलग कर देते हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और यह निरर्थक हो जाएंगे। तो इन्हें हम शब्द कह ही नहीं पाएंगे और ना तो इनका कोई समूह रह जाएगा। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं वह यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, रसोई घर, नीलकमल। अब अगर इन्हें हम अलग अलग करें, विद्या को अगर हम अलग कर दें और आलय को अलग कर दें, इसका विच्छेद करने पर हमें विद्या प्लस आलय मिलेगा ना। तो अगर हम विद्या को अलग कर दें और आलय को अलग कर दें तो दोनों का अर्थ निकलेगा। लेकिन यह दोनों का अर्थ तो निकलेगा, दोनों सार्थक भी हैं, लेकिन जब हम इन दोनों का योग करेंगे तो हम विद्यालय का निर्माण करेंगे। रसोई घर में भी यही है, रसोई को अगर हम अलग कर देते हैं और घर को अलग कर देते हैं तो दोनों का सार्थक अर्थ निकलेगा, लेकिन ये यौगिक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जब हम इन्हें मिला देंगे तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब हम बात करेंगे योग रूढ़ शब्द की। जिन शब्दों के टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन उनका सीधा अर्थ न होकर विशेष अर्थ निकलता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, अर्थात नीला हो कंठ जिसका। अगर हम नील को अलग कर दें और कंठ को अलग कर दें तो नील का अर्थ होता है नीला और कंठ का अर्थ होता है गला। अर्थात नीले कंठ वाला कौन है? शिव। हर कोई नहीं है ना नीले कंठ वाला। अब हम बात करते हैं पीताम्बर की। पीताम्बर को भी ऐसे ही अगर हम अलग अलग करें तो पीत अलग और अम्बर अलग हो जाता है। पीले वस्त्र वाला अर्थात श्री कृष्ण। पंकज, पंकज को भी अगर हम अलग करें तो पंख अलग हो जाएगा और ज अलग हो जाएगा। पंख का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। तो आपको समझ में आ गया बनावट के आधार पर शब्दों के भेद: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तत्सम शब्दों के बारे में। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं
उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि वह सीधे संस्कृत। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसे सब लोग जानते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, सत्य, कार्य इत्यादि। और जब हम बात करते हैं तद्भव शब्द की, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से तो आए हैं लेकिन थोड़ा उनमें परिवर्तन कर दिया गया है, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मैंने दोनों का एग्जांपल इसीलिए सेम लिया था ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे अगर हम अग्नि की बात करें तो उसको तद्भव में अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ होगा कि आग, यानी कि अग्नि इसका तत्सम है और आग इसका तद्भव है। सूर्य इसका तत्सम है और अगर हम इसका तद्भव करते हैं तो यह सूरज है। सत्य इसका तत्सम है और अगर हम तद्भव में यूज़ करते हैं तो यह सच है। कार्य तत्सम है और तद्भव में अगर हम यह यूज़ करते हैं तो काम है। इसी प्रकार हम खेत को ले लें, खेत तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्षेत्र होता है। तो ऐसे अनेक शब्द हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और अगर उनमें थोड़ा परिवर्तन करके हम हिंदी में उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं देशज शब्द की। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो प्रचलन में तो हैं लेकिन ये शब्द कहाँ से आए हैं इसके उसकी उत्पत्ति के बारे में किसी को पता ना हो, वे सब शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, डिबिया, खिचड़ी, खुरपा, जूता, ये सारे शब्द देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशियों के संपर्क में रहने के कारण हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वह अंग्रेज ही हों, वो किसी भी भाषा के हो सकते हैं भारतीय ना होकर। तो जो शब्द विदेशियों के संपर्क में या विदेशी भाषा के संपर्क में रहने के कारण भारत में प्रचलित होने लगे उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कॉलेज, पेंसिल, ये सब किस भाषा से हैं? ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब वहीं अगर हम बात करें अनार, चश्मा, बीमार, दरबार, तो ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तो बारूद, चाकू, कैंची, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो यह सब विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने शब्दों के दो प्रकारों को पढ़ा। अगले वीडियो में हम शब्दों के अन्य दो प्रकारों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।